भगवान नहीं है, विष्णु है देवता, और उसके बाद नीचे का तबका है मनुष्य, वो देवता भी नहीं है, तो सबसे नीचे का तबका हो गया। जब अर्जंट खुलेगा तो पहले तबके का अर्जंट खुलेगा या दूसरे और तीसरे तबके का अर्जंट खुलेगा, किसका खुलना चाहिए? तुम बच्चे हो भगवान भगवती का टाइटल धारण करने वाले, भगवान आकर तुमको क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। तो भगवान भगवती बनने वालों का जो टाइटल है वो सूर्यवंशी धारण करेंगे या दूसरे वंश की चंद्रवंशी इस्लामी वंशी बौद्धी वंशी आत्माएं धारण करेंगी? सूर्यवंशी धारण करेंगे, इसलिए पहले पहले सूर्यवंशियों का रिजल्ट खुलता है। उस रिजल्ट में पहले आठ प्रत्यक्ष होते हैं, उनमें पहला नंबर तो है ही है पहले तबके में। तीसरा नेत्र ज्ञान सूर्य धारण करने वाला, सूर्यवंशी है तो सूर्यवंशी के माँ बाप भी कोई होंगे, बाप है तो माँ भी चाहिए। रुद्रमाला में सात धर्मों के बीज हैं, सबसे ऊपर है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, सूर्यवंशियों का बाप सूर्य है और चंद्रवंशियों का बाप चंद्रमा है, वही चंद्रमा जो सहनशीलता धारण करने वाला है। इसके लिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए इनको कन्या माताओं की चार्ज इन चार्ज सिप में नहीं रखा जा सकता। ओम राधे मम्मा निमित्त बनी हुई है, तो वास्तव में अभी वर्तमान में, क्योंकि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, वर्तमान में चंद्रवंशी जगदम्बा कौन, ब्रह्मा कौन? चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? बीज रूप आत्माओं की दुनिया के अंदर क्या कहेंगे? जगदम्बा मम्मा को या ब्रह्मा उसमें प्रवेश है, उनको चंद्रवंशियों की लिस्ट में डाला जाए या सूर्यवंशियों की लिस्ट में? चंद्रवंशी कहेंगे तो उनका तो रिजल्ट पहले नहीं खुलता, इसलिए जो पहले बारह माह के हैं जो सूर्यवंशी हैं, जिनके लिए बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा, क्योंकि बारह बारह के नौ पुरी के ब्राह्मणों के नौ ग्रुप है, तो पहले संगठन का रिजल्ट खुलना शुरू होता है। वो तीन तो बता दिए पहले, जैसे झाड़ के तीन हिस्से है, एक है डायरेक्ट नीचे से ऊपर तक जाने वाला, एक है दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, एक है बाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होने वाले।
ऐसे ही त्रिदेव में तीन तबक के दिखाई गए। तो जो तीन चीज पहले पहले क्लियर हुई वो अलग बात, और अभी जो अष्टदेव प्रत्यक्ष होने हैं जिनके लिए अभक्तवाणी में बोला है कि अष्टदेव में जो माता पिता हैं, हर धर्म के माता पिता नहीं, सारी दुनिया के माता पिता नहीं, कौन से वंश के माता पिता, सूर्यवंशियों के माता पिता, उनका पाठ क्लियर। इसलिए लेट का बोर्ड लगा है लेकिन अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, माने अभी छह सीट पांच विधान की और क्लियर होनी, उसमें कोई भी नंबर ले सकता है। और भगवान भगवान पूजा नहीं है, भगवान पूज भी नहीं, वो जो पॉइंट आया, हाँ जी भारत में भगवान की पूजा करते हैं, राम कृष्ण को भगवान समझते हैं, वो शंकर को भगवान समझते हैं इसलिए करते हैं, वास्तव में शंकर थोड़ी भगवान है, राम थोड़ी भगवान है, कृष्ण थोड़े ही भगवान है, भगवान तो जो है वो है जो सदा शिव है, कभी भी नीचे स्टेज में नहीं आता है, कभी भी दुर्गति में नहीं आता है। वो सदगति में भी नहीं जाता है, स्वर्ग में जाता है क्या, हाँ ले रहे जो पूज्य बनते हैं वो पुजारी बनते हैं, भगवान थोड़ी पूज्य पुजारी बनता है, भगवान पूज्य और पुजारी बनता है क्या, जो सदा शिव है जो सदैव एवर प्योर है वो पूज्य बनता है, सचिव में जाता है। वो तो नहीं जाता, उसके पूज्य और पुजारी बनने की बात ही नहीं। और सब सजाए खाएंगे वो सजाए नहीं खाएंगे, सबके ऊपर प्रकृति की मार पड़ेगी उनके ऊपर मार नहीं पड़ेगी, सब माया के वशीभूत होते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और निराकार राम साकार राम भी भगवान होता है, वो कहते हैं दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान ने खुद मुरली में बताया, दुनिया क्या कहती है हमें उससे क्या लेने देना, दुनिया कुछ भी कहती है, दुनिया की बातों में अगर हम जाएंगे तो हम फंसेंगे ना, ब्रह्मा बात की क्या कहती है, मुरली क्या कहती है, भगवान क्या कहते हैं, हमको वो बात देखनी। और दोनों आत्माओं में लक्ष्मी और नारायण में
अधिकारी कौन है और अधीन कौन है? अधिकारी बनता है नारायण और लक्ष्मी फिर भी नारायण के अधीन है। भक्ति बनाती है अधीन और ज्ञान बनाता है स्वाधीन। अगर लक्ष्मी ध्यान दीदार में जाने वाली न होती, ज्ञान लेने वाली बन गई होती तो वो भी नारायण बन सकती थी। तो उसको ध्यान दीदार और साक्षात्कार से खुशी आती है कि मैं भगवती बनने वाली हूँ और नारायण वाली राम की आत्मा को ज्ञान बुद्धि के आधार पर खुशी आती है कि मैं नारायण बनने वाला हूँ। न कर कर जाते है, है? किसको पता चलता है? किनको? लक्ष्मी को बताया ना, उनको साक्षात्कार से खुशी करती है। जैसे ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए तो उनको खुशी चढ़ गई, मैं कृष्ण की आत्मा बनने वाला हूँ, कुछ करके दिखाया। राम की आत्मा को तो खुशी नहीं चढ़ी, राम क्यों फेल हो गया? क्योंकि प्रैक्टिकल में साक्षात्कार नहीं हुआ था। ये साक्षात्कार की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ, इसमें भी दम है। और ज्वालामुखी तपस्या ज्वाला कहते हैं अग्नि को। अग्नि माना ज्ञान के आधार पर नहीं, धारणा के आधार पर नहीं, सर्विस के बल पर नहीं, सिर्फ योग अग्नि के ज्वाला जागृत करने के आधार पर ज्वाला रूप बनना है पुरुषार्थ। जब योग बल के आधार पर ही सारी विश्व की वास्तविक प्राप्त की जा सकती है। तो योग माना ज्ञान याद करना है, योग का मतलब याद है? योग का मतलब लव नहीं, तो खाली बैठ के मैं ऐसा आपको ऐसा आत्मा नहीं होगा ना। उसको लवली नहीं कहा जाता, सच में दिखाना। काम करते, बातचीत करते, चलते फिरते, लगन वही लगी रहे। ये कहते हैं किसी को समझाते हो तो याद में समझाते हो तो तीर लगेगा। बोलते समय, समझाते समय, देखते समय, जिज्ञासु को देखना तो पड़ता है, उस समय भी लवली भी तेज होगी तो सुनने वाले के ऊपर तुरंत असर पड़ेगा। और राम को साक्षात्कार नहीं हुआ इसलिए तेज बोलना पड़ता है। यदि आदमी न पूरा ज्ञान था न राम की आत्मा बुद्धिवादी होने के कारण उसको साक्षात्कार हुआ, ये फेल हो गए। अभी तो ज्ञान परिपक्व अवस्था में आया हुआ है, अभी तो फेल होने की बात ही नहीं। साक्षात्कार जिनको होते हैं वो फेल हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी की आत्मा जिसकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठ गया वो फेल नहीं होना चाहिए। तो कैसे संस्काया राम वो पार्टनर साक्षात्कार वो है ना, बोल रहे की जवाब प्रवेश करता है, प्रवेश करके समझा है। अरे पार्टनर के अंदर में आपने राम को ही पकड़ लिया, यही तो सारा गड़बड़ करते हैं। राम को पकड़ने वाले, कृष्ण को पकड़ने वाले, जगदम्बा को पकड़ने वाले, शिव को भूल जाते हैं, उसी से सारा अनिष्ट होता है दुनिया में। और
माया बोली मुझे में बैठेगा गीता का भगवान कभी नहीं। इसी बात को सारे ही अटके हुए हैं। माया की बुद्धि में भी क्या बैठा हुआ है? गीता का भगवान कृष्ण है और झूठी गीता की बुद्धि में भी क्या बैठा हुआ है? गीता का भगवान कृष्ण है। तो माया पांच रूपों वाली है, काम क्रोध लोभ मोह है, अहंकार कैसे, और प्रकृति रूपी जो व्यस्त में ही बुद्धि गीता है उसके उसके भी पांच रूप है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। ये दस रावण के सिर है, उनकी बुद्धि में ये बैठना जरूरी है कि गीता का भगवान निराकारी रूप तेज वाला होना चाहिए, गीता का भगवान साकारी रूप तेज वाला मनुष्य नहीं हो सकता। और समय समीप आ रहा है, अभी समीप नहीं आया, बिल्कुल पता चलेगा। अभी अभ्यवाणी नहीं सुनी मेरी वाली, अभी लेख का बोर्ड लगा है, तू लेख का बोर्ड नहीं लगा, अभी पता ही नहीं चला समय समीप आ गया है। अरे रिजल्ट भी निकलना शुरू हो गया, रिजल्ट निकलना शुरू हो गया का मतलब जो लास्ट पेपर है नष्टो हुआ इसमती लब्धा, ऐसी स्टेज प्राप्त करने वाले जो अष्टदेव है उनका रिजल्ट निकलना शुरू हो गया। योगी राज और योगी ने बता तो दिया, अभ्यवाणी में सबको बता रहे हैं। योगी राज होगा तो योगी नहीं होगी, योगी राज को आपको योगी राज नहीं मालूम, योगेश्वर कौन है, योगी राज कौन है, जो बाबा है तो जो बाबा की प्रसिद्ध नगरी कौन सी है, जहाँ नहीं जहाँ जहाँ तेज का पुण्य इकट्ठा होता है, काफी नगरी भक्ति मार्ग में भी जब शंकर भोलेनाथ की प्यारी नगरी कौन सी है, कौन सी नगरी है, काशी नगरी है। तो काशी नगरी इतनी प्यारी क्यों है, क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसा ही पसंद होता है। हाँ हाँ वाराणसी कहते हैं वरुणा और असी मानव तलवार, ज्ञान तलवार के रूप में जो नदी आकृति धारण कर लेती है और वरुणा नदी के साथ मिलने के बाद ज्ञान की तलवार का रूप धारण करती है वो वाराणसी है। वरुणा नदी जाती है गंगा से मिलती है और ऐसा आकार बन जाता है तलवार का, इसलिए उसका नाम पड़ता है वाराणसी। बाबा कहते हैं उसको बनारस, बिगड़ी हुई भाषा में कहा जाता है बनारस, जहाँ ज्ञान का रस बनता है। वरुणा नदी भी है, बता तो दिया योगिनी, गहरी नदी है। और क्या ब्रिज बनाए जाते हैं, पुल बनाया जाता है ना, तो उसमें भी तो बलि की जाती है, कितने सुना दिया, जो पुल बनाए जाते हैं उनमें बच्चों की बलि लगाई जाती है। हाँ देखा तुमने, तुम्हें सुनाई बातों ने भारतवासियों ने रुक पी पाई, हर बात को विश्वास नहीं करना चाहिए, झूठी बातें सुनाते रहते हैं। और हैं
सभी आत्माएं हैं हां आदि आदि एक आत्मा आदि के अंत तक पवित्र रहते हैं पवित्र के आंखों से संग तो नहीं करते दूसरों का लक्ष्मी की आत्मा जो बनने वाली है ब्रह्मा कुमारियों में ही है ना वो आंखों से दूसरों का संग नहीं करती अरे विचारी व्यक्ति मृत्यु वाली बनती है या नहीं बनती आप हाँ का पहले जवाब दे दिए सवाल बोलिए सच्ची व्यक्ति से विचारणी बनती है या नहीं बनती है बनती है तो पति तो होती हाँ उतना पति तो नहीं होती जितना और आत्मा है पति बनती है क्योंकि पतन भी नंबर वार होता है पतित भी नंबर वार होते हैं पावन भी नंबर वार होते हैं हाँ बोल ये मुरली को बोला है मुरली में तो ये बोला है एक के पतित बनने से सब पतित हो जाती है एक के पावन बनने से सब पावन होते हैं पति दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं ये दुनिया में मनुष्य आत्मा सब पतित है एक परमात्मा बाह्य सृष्टि पर ऐसा आया हुआ है जो एवर प्योर पार्ट बजाता है वो पतित नहीं है इसलिए कहा जा सकता है कि कम से कम इस दुनिया में एक तो ऐसा होगा जो ये दुनिया डटी हुई है तो वो लक्ष्मी नहीं है कौन है बाप है हाँ जी वैकुंठ और शास्त्र का समझा दीजिए थोड़ा वैकुंठ शास्त्र में गाया हुआ है और जन्नत मुसलमानों के शास्त्रों में गाई हुई है और पैराडाइज अंग्रेजों के शास्त्रों में गाया हुआ है ये जो गायन पूजन है वो किस समय का है सर्वयुग का है तो कृष्ण का जन्म जो होगा वो सर्वयुग में होगा उसे वैकुंठ कहा जाएगा मतलब वैकुंठ का वैकुंठ माने वैकुंठ वो जहाँ चढ़ती कला ही चढ़ती कला होती है उतरती कला नहीं होती स्वर्ग में उतरती कला शुरू हो जाएगी और तीन पुरुषार्थ की उनको कहा जाता है जो तन से भी मन से भी धन से भी समय और संपर्क से भी पूरा पूरा अर्पण में होकर की चलता है अर्पण में तो ज्ञान का दर्पण सीधा हो जाता है ज्ञान का दर्पण सीधा है तो पुरुषार्थ भी सीधा हो जाता है जितना जितना अर्पण में होते जाएंगे उतना उतना दर्पण सीधा होता जाएगा जो बड़े से बड़ा ज्ञानी वो बड़े से बड़ा पुरुषार्थी बड़े से बड़ा योगी पहचान होगी तो योग लगेगा पहचान नहीं होगी तो योग भी नहीं लगेगा और पशु पक्षी जो है वो मनुष्य से मनुष्य के वाइब्रेशन से प्रभावित होकर के चलने वाले क्योंकि मनुष्य मन बुद्धि वाला प्राणी है वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं
उनमें उतनी बुद्धि और मन तीव्र गति का नहीं होता है, इसलिए मनुष्य के वाइब्रेशन से प्रभावित होकर के चलते हैं, उनका भी अच्छा बुरा कम बनता है। जाति होती है जानवरों की, उनको चौपाया कहा जाता है, चार पांव से चलने वाले, चार पांव से चलने वालों में डायनासोर भी था और चार पांव से चलने वालों में शेर घोड़ा भी होता है। कहते हैं डायनासोर की जाति खत्म हो गई, उसकी हड्डियां मिली। कैसे खत्म हो गई? तो जंगल में आग लग गई, सारे डायनासोर मर गए, एक कहीं बच गया, उसकी मादा भी नहीं बची, या कोई मादा बच गई, नर डायनासोर नहीं बचा, तो वो किससे अपने जीवन में संपर्क करेगा? कोई दूसरे प्रकार के चौपाए से संपर्क करेगा, संबंध में आएगा या नहीं आएगा? उसमें जानवरियत का स्वभाव है, वो अपने को रोक नहीं सकता। तो जब दूसरे जाति के चौपाए के साथ उसका संबंध टूटेगा तो दूसरे प्रकार की नस्ल पैदा हो जाती है, जैसे घड़ियाल, क्रोकोडाइल, वो भी चार पांव वाला होता है। हाँ जी, क्या हुआ? मर गए, कौन मर गए? हम मर गए, तुम मर गए, कौन कौन मर गए? आप अपनी भाषा में नसीब वालों को समझाओ तो समझे। आप ये मर गए, अच्छा अच्छा, आप मुए मर गए दुनिया, इसका मतलब ये है कि हमें अब दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, हमको जो पाना था तो हमने पा लिया, अब हमें दुनिया की कोई दरकार नहीं, हमें दुनिया से कुछ मांगने की दरकार नहीं, कुछ लेने की दरकार नहीं। माना तन के भी हम कोई दुनिया वालों के अधीन नहीं, धन के लिए भी हम दुनिया वालों के अधीन नहीं, हमारे लिए सारी दुनिया जैसे मर गई। बाप की श्रीमत पर चलना माना पूरा मर जाना, मेरे साथ रह करके वही चल सकेंगे जो पूरे मरे हुए होंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि दक्षिण भारत वाले समझते हैं उत्तर के बाद भगवान आता है। रंगनाथ और विक्रम की पूजा करते हैं, तो आज उसका पूजा होता है, तो वो लोग को होता है ज्यादा पूजा करता है वेंकटेश्वर स्वामी और रंगनाथ को, जगन्नाथ की पूजा करते हैं बस्ती राज में। आखिर में ज्यादा याद क्या है, मतलब बिंदी शिव को भगवान कहते हैं? बिंदी शिव को भगवान नहीं कहते। क्यों बाबा? बिंदु सुप्रीम सोल जब मुकर रथ में प्रवेश करता है और भगत आ जाता है स्त्री की योनि को, क्या जो स्त्री की योनियां हैं, माने स्त्री योनि वाले हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्रोल में कर लेता है। जैसे कहते हैं धनवान, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए,
पुकार के क्या कहते धनवान ऐसे ही है भगवान माने दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो इतनी भगवालियों को अर्थात स्त्री होने वालों को अपने पंजे में अपनी मुट्ठी में रख सके उसको कहते हैं भगवान और एक बात है भगवान जन्म के न्यारे हैं हाँ। तो जब साकार में प्रवेश करने के बाद साकार भी भगवान जैसा समान हो गया ना है? जब साकार में प्रवेश करने के बाद साकार भी भगवान जैसे समान हो गया हो सकता है यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता है तो ये घोड़े कहते हैं कि प्रजा जो है वो राजा हो गई कोई इंसान में कहा जा सकता है कि जो सुख राजाओं को मिलता है सतयुग में वही सुख खाने पीने रहने रोटी कपड़ा और मकान का प्रजा को भी मिलता है इस आधार पर नहीं हुआ बाबा हाँ। तो मतलब साकार भी नीचे अनिच्छे चक्र में भी जरूर आवेगा नहीं आवेगा नहीं आवेगा तो भगवान और साकार में अंतर क्या है साकार के थ्रू ही वो कंट्रोलर बनता है बिंदु बिंदु कंट्रोलिंग कर सकता जब साकार बनेगा तब ही कंट्रोल करेगा तो भगवान कौन है भगवान देखो दो आत्मा है एक है आत्मा सदाशिव और दूसरी आत्मा को सदाशिव नहीं कहेंगे चलो त्रियासी जन्म वो सुख में रहेगी त्रियासी त्रियासी जन्म सुख में रहेगी आखिरी जन्म में आके फिर भी नीचे गिरेगी दुखी हो जाएगी तो उसको भगवान नहीं कहा जा सकता लेकिन मनुष्य भगवान का भगवान नहीं होता ना मन चलाने वाला मनुष्य जिसका मन चलता है माना सोच विचार करता है मनन चिंतन मंथन करता है सोचता है भगवान तो असोचता है भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है माने शंकर की आत्मा मनन चिंतन मंथन करेगी वो सूक्ष्म शरीरधारी है लेकिन सारा कार्य चलाने वाले कौन है वो बिंदी है ना तो सुप्रीम सोल है वो ही सब कुछ करता है ब्रह्मा के द्वारा सहनशील बनता है वो ही शंकर के द्वारा सद्धर्म की स्थापना करता है वो ही शंकर के द्वारा विनाश कराता है सारी शक्ति का नहीं तो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा पहले भी सहन शक्ति धारण कर लेती और सारे अधर्मियों का विनाश करा लेती क्यों नहीं कर पाया लेकिन साकार में जब शंकर संपन्न होने के बाद भगवान जैसे सम्मान हो गए ना जय की बात अलग होती है और ओरिजिनल बात अलग होती है ओरिजिनल चीज हमेशा ओरिजिनल है सदाशिव सदैव सदाशिव है सदैव कल्याणकारी है ये बताएं सदैव कल्याणकारी नहीं हो सकते तो भगवान का भगवान किसको लागू होते हैं भगवान कहा जाता है गॉड फादर को जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है जब साकार बनता है तब भगवान कहा जाता है भाग्यवान को भगवान कहा जाता है बगीचा बनने वाले दुनिया में इतना भाग्यवान कोई पार्ट नहीं पार्टदारी नहीं कोई रथवान इतना भाग्यवान नहीं बनता जितना वो भाग्यवान बनता है और सचिव में घर आग नहीं होती सचिव में प्रकृति ही सब चीज मुहैया कराती है कुदरत जो है वो सब कुछ प्रदान करती है रोटी कपड़ा और मकान के लिए वहाँ कोई मेहनत करने की दरकार नहीं पहाड़ों में गुफाएं इतनी बढ़िया बढ़िया बन जाएंगी ऑटोमेटिक रहने की जगह बन जाएगी अभी घर के बाद दिसंबर में लेंगे आप सारी भक्ति मात की बात हो रहा है क्या सोच रहा है
भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र है और भक्ति मार्ग के जो भी क्रिया कर्म कांड है वो सब मनुष्यों ने अपनी आकल से बनाए हुए है। ज्ञान में धनुष तो शब्द होता है ना, धनुष जो है वो जब चंचा खींची जाती है तो लग जाता है, माने मोल हो जाता है। जब प्रत्यंख्या नहीं खींची जाती है तो फैल जाता है। तो ऐसा पुरुषार्थी शरीर जब उस पर श्रीमत की प्रत्यंख्या चली हुई होती है और श्रीमत की तरफ खींच आ जाता है तो उसमें मोल्डिंग पावर आ जाती है। उसको कहते हैं पुरुषार्थ रूपी धनुष। और दही के की हड्डियों से बने हुए धनुष को कहते हैं राम ने तोड़ दिया। दही जी ब्रह्मा, ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया वो तो पुरुषार्थ से भी तीखा पुरुषार्थ किसने किया? राम वाली आत्मा ने किया। जो ब्रह्मा का शरीर था वो तो फिर भी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मोटा ताजा था। राम वाली आत्मा का तो अंतिम जन्म में शरीर भी लुम्यम पुण्यम मजबूर निकाल दिया है जगन्नाथ। और श्रीनाथ का, श्रीनाथ को 36 प्रकार के भोजन खिलाते हैं उनके पेट में कुछ नहीं होता, सब पचा जाते हैं। और जगन्नाथ को अगर अच्छा अच्छा भोजन खिला रहे हैं तो उनके पेट में दर्द ही होगा। और क्यों नहीं मनाना पड़ेगा? कैंसिल इसलिए हो जाएगा कि सब फेल हो जाएंगे। जगन्नाथ की जो मुख्य दो भुजाएं हैं वो ही कट जाती है, तब कोई अनिश्चय हो जाता है। तो नीचे पता भेल ही होगा, जब आएंगे तो फिर दोबारा उठा जाएंगे। अमृत वेला क्लास नहीं रखना है, अमृत वेला घर में बैठ करके याद करना है, नहीं तो पति जी महाराज को खुंदक आती है ये रात में कहाँ जाती है। इसलिए जब दिन निकलना शुरू होता है तब घर से बाहर निकलना अच्छा है। अमृत वेला माना सुबह 5 बजे तक, 4:45 बजे तक जो अमृत वेला है वो घर में बैठ करके याद करने के लिए बोला है। 5:45 बजे के बाद अमृत वेला नहीं होता है। वो कुछ भी होता हो घर में कलह क्लेश पैदा नहीं करना चाहिए। अपने अपने घर में याद बैठो, कर नहीं सकते तो ठीक है, कर नहीं सकते तो स्वर्ग में जा भी नहीं सकते। जाएगा ना, कौन मना करता है? जो क्लास का टाइम शुरुआत से रखा हुआ है 5-6 बजे के बीच, जब झुटपुटा होता है आधा दिन और आधी रात होती है उस समय घर में से निकलना ठीक है। शाम को कर सकते हैं? हाँ शाम को करो, शाम को शहर में 7-8 बजे तक, रात में भी रोशनी रोशनी रहती है, कुछ उल्टा पलटा काम होने की संभावना नहीं है। हम
अमर सवेला नहीं करना ये किसने कहा? ये कहा अमर सवेला क्लास माने संगठन नहीं करना, दूसरे दूसरे घर वालों को बुला करके एक जगह इकट्ठा नहीं करना, अमर सवेला नहीं करना ये कहा का? युगल है तो बात अलग है, युगल दोनों साथ साथ लक्ष्मी नारायण बन के आते हो इस तमो प्रधान पुरुषार्थ के पीरियड में तो वल्लभ वल्लभ। असंभव माना नरक को स्वर्ग बनाना ही असंभव बात है, उसको भगवान आके संभव करता है। मामा बच्चों में यथा राजा सदा प्रजा बोलते हैं ना? हाँ जी सदा प्रजा था, यथा राजा सदा प्रजा। हाँ लास्ट नारायण खर्चा किस लिए करते हैं? खर्चा करने की जरूरत क्या है? कहाँ की खर्चा की बात ही नहीं है, यहाँ तो शूटिंग यही हो जाती है संगम युग में, वो यहाँ की बात है। यहाँ का जो नारायण बनता है संगम युग में बनने वाला क्लियर होता है, वो ज्ञान रत्न धारण नहीं करता, वो ज्ञान रत्नों का लोन लेता है राम वाली आत्मा की, तो उसकी स्मृतिंग हो जाती है। चार सब्जेक्ट में पास हो गया कोर्स के ऐसे फिर से कर सकता है क्या? पुरुषार्थ में चार सब्जेक्ट है ना, धारणा हम लोग पास हो गया है बोलते वेरिफिकेशन है, जो चारों सब्जेक्ट में पास हो जाएगा वो जिसके नजदीक जाएगा उसको चारों सब्जेक्ट समझा सकेगा, प्रमाणित कर देगा, पास नहीं होगा फेल होगा खुद, तो दूसरों को बराबर ही नहीं बने। है डाउन होते हैं, पहले तो कुछ ऐड होता है, ऐड होगा नहीं होगा? क्यों नहीं ऐड होगा? पिछले जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर ही तो संगम युग में जन्म मिलता है।